तो दोस्तों एज वालों ने यार खोल के सोच लिया यार, यकीनन हक से एक साथ हम लोग यार दूसरे ब्राउजर की लेनी देनी करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये देखो ये लोग चाहते क्या है ना, आपको अपना यूजर बनाए बिना छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे अगेन भाई इन्होंने एक नया फीचर डाला और एक बार फिर से जमीन धरती ये सब चीज़ें हिलाने पर तुल मारा इन्होंने। देखो हर बार यार हर ब्राउजर के लिए यार अपडेट आता है, एज वालों के पास भी आता है, पर ये लोग यार एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं। इस बार इन्होंने एक और ऐसी चीज़ ऐड कर दी जिसके कारण आपके मुँह से यार WOW वाला वो निकाले बिना ये लोग चुप नहीं रहेंगे। आज उस पर थोड़ा लुकआउट करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। फ्रेंडली भाई 104 अपडेट यार यूजर्स के लिए अवेलेबल हो चुका है। जैसे भाई आप अपडेट कर लोगे ना, आपके पास एक नया फीचर आ जाएगा। नाम क्या है इसका? इंपोर्ट। यस, इंपोर्ट मतलब क्या है? देखो अब यार आप बहुत लोग यार ये शिकायत रखते थे और एक ना नाराजगी जाहिर करते थे कि भाई हम कोई और ब्राउजर यूज करते हैं, हम लोग यार शिफ्ट नहीं हो सकते, सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत सारा उसमें, कैसे हम इधर उधर डालेंगे। तो ये चीज बिल्कुल खत्म कर दिया एज वालों ने, ये बहाने के ऊपर ये ताला लगा दिया टोटली एकदम अमेजिंग तरीके से। एक क्लिक में आप कोई से भी ब्राउजर का डेटा यार एज में डाल सकते हो। अभी जैसा बता रहा हूं यार अभी ये हमारा यार क्रोम के साथ है, फ्यूचर में बाकी यार सब ब्राउज़र को जरूर टारगेट करेंगे। अच्छा इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है और छोटी मोटी क्या नई चीजें आई है, चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर भी लुकआउट करते हैं। तो उसके लिए ऑन स्क्रीन चलते हैं, वहीं देखते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों यहां पे आ चुके हैं यार एज ब्राउजर पे सिंपली। अब सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, यहां देखो यार 3 डॉट पे क्लिक करना और भाई सेटिंग में पहुंच जाना, क्योंकि हमें सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा। यस, तो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज में जाओगे तो यहां से देख सकते हो यार 104 अपडेट होना ही चाहिए, क्योंकि इसी में ये सब चीजें इनरोल करी गई है, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा देखो यार जैसे आप यार ये अपडेट कर लोगे ना, उसके बाद ऐसा कुछ पेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो यार हमेशा ऐसे ही करते हैं एज वाले, जब भी कुछ फीचर डाल लो एक अलग से बना के कैटलॉग आपको देते हैं। तो यहाँ जब भी आप देखोगे तो सबसे पहला फीचर आया गेमिंग के लिए। अब गेमिंग के लिए यहाँ पे क्या आया तो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने भाई एक डेडिकेटेड गेमिंग पेज बना दिया था, सिमिलर लाइक भाई जैसे अपना ओपेरा GX है ना गेमिंग के लिए, उस तरीके का कुछ इन्होंने पैनल बना दिया कि आप सिर्फ एक सेटिंग ऑन करो और यहाँ पहुंच जाओ। इस पर रिसेंटली बात हो चुकी है, इसको यार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गेमिंग हमें पता है, कलेक्शन इन्होंने यार ये चीज नहीं दिखाई है। वैसे तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक अपना विश लिस्ट अलग से बना सकते हो, लाइक आपको कोई भी वेबसाइट से कुछ भी पिकअप करो वहां से वो चीज सेट कर दी, तो वो आपके पास अरेंजमेंट इस तरीके से कर सकते हो। हाँ अच्छा फीचर है, तब अगर यार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब सही है, तब आप एज का यूज कर सकते हो। ठीक है अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यार वर्टिकल टैब, ये तो यार मुझे पता नहीं चला इन्होंने क्यों बताया, शायद इन्होंने थोड़ा इसमें एनहांसमेंट करा होगा, पर ये हमें नॉर्मली पता है कि ये जो टैब होते हैं ये भाई साहब आप इधर की तरफ भी कर सकते हैं, एज की एक खासियत है। तो हाँ ये अच्छी चीज है, ये और ब्राउजर्स को भी करने चाहिए, किसी इसी में अवेलेबल भी है बताना कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। तो आई मोड तो हमें पता ही है यार, जो इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया तो इन्होंने एक मोड डाल दिया, तो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेब कैप्चर एक अच्छी चीज है यकीनन भाई, ये एक तरीके का स्क्रीनशॉट ही आप बोल सकते हो, पर हाँ इसमें जितना पोर्शन आप कैप्चर करोगे उसे सेंड कर सकते हो। वैसे इसकी कुछ ऐसी यार जरूरत नहीं थी, पर हाँ एक इनबिल्ट चीज नहीं थी तो हाँ अच्छा ही है। चलो ठीक है, कुछ अच्छी चीज ऐड करिए, इसको आप यूज करना। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मेकअप कैप्चर भी है, मतलब आप इसको यार अच्छे से अरेंज करके कलर शलर भर के भी चीजें कर सकते हो, तो वो देखेंगे। बाकी देखो यार गेट स्टार्टेड जो आता है इसमें आपको सबसे मेजर चीज दिख जाएगी, वो है भाई देखो इंपोर्ट योर डेटा। अब ये सबसे बड़ा जैसा मैं बता रहा था शिकायत रहती है, ये चीज अब अवेलेबल होगी। जैसे आप भाई इंपोर्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऐसे पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आप सबको सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको इंपोर्ट क्या करना है दूसरे ब्राउजर से। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें लाइक सेफ पासवर्ड हो गया, या फिर आपके बुक मार्क हो सकते हैं, या ब्राउजर हिस्ट्री हो गई, सब कुछ A to Z आप चाहो तो हर चीज को इंपोर्ट कर सकते हो और उस ब्राउजर को उसी समय से यूज करना शुरू। बिल्कुल अब यहाँ पे देखो जब इस पे क्लिक करोगे ना नीचे वाले पे, तो यहाँ से आप यार टर्न ऑन कर सकते हो। और ये इसने यार माइक्रोसॉफ्ट का ये देख सकते हो गूगल क्रोम को टारगेट करा है स्पेशली, तो हाँ एक बड़ी चीज है यहाँ पे। और सिर्फ इसके बाद यार इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, जो भी आपकी चीजें वहां करोगे वो आपको यहाँ पे भी इंपोर्ट होता हुआ दिखेगा। एक अच्छा स्टेप है, शायद ये लोग फ्यूचर में और ब्राउजर को यहाँ ऐड कर दे, क्योंकि यार जानते हैं ये लोग धीरे धीरे अपने आपको बढ़ाना है सर। तो हाँ बढ़िया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। थोड़ी सी यहाँ पे यार एक और एडवांटेज वाला पॉइंट करा है, वो प्राइवेसी में यहाँ पे थोड़ा सा यार और इसको यार मजबूत कर दिया गया, अगर लोगों को नहीं पता तो हाँ ये चीज आप देख सकते हो। इस पर डेडिकेटेड वीडियो हाई बटन पे आप वो भी देख सकते हो। तो हाँ यही कुछ यार नया अपडेट में आया, कैसा लगा यार जरूर कमेंट में बताना। बाकी चलो अगर वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक करना है, सब्सक्राइब बनता है, शेयर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।